हर हर महादेव। एक पंडित जी पूछ रहे हैं कि कई यजमान लोग हमसे पूछते हैं कि नवरात्र में पृथक पृथक तिथियों में, अलग अलग तिथियों में देवी के पूजन से संबंधित कुछ विशेष उपचार समर्पण करने की शास्त्रों में चर्चा है, यानी कि किस तिथि में क्या चीज विशेष भगवती को समर्पित की जाए, तो इसके बारे में बतलाइए। तो ध्यान से सुने आप लोग, निर्णय सिंधु ग्रंथ में प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत यानी दशमी पर्यंत ही भगवती के विभिन्न उपचारों के समर्पण के वाक्य हैं, उन्हें आप श्रवण करें और यथासंभव भगवती पर समर्पित भी करें। कोई विशेष खास नहीं है कि जिन्हें आप समर्पित न कर सकें। देखिएगा, अथ प्रतिपदादिषु विशेषो दुर्गा भक्ति तरंगिण्याम भविष्य। प्रतिपदा इत्यादि तिथियों में भगवती पर कुछ विशेष वस्तु समर्पित करने की विधि दुर्गा भक्त तरंगिणी नाम के ग्रंथ में लिखा है, और वो कहते हैं कि भविष्य पुराण में ऐसा दिया है। केश संस्कार द्रव्याणि प्रदद्यात् प्रतिपद्यने। प्रतिपदा तिथि में केश संस्कार के द्रव्यों को समर्पित करना चाहिए। जैसे केशों को बांधने का जो है फीता होता है, तो रेशम की डोरी, या उनको लगाने के लिए रबड़ आज लेते हैं, क्लेचर लोग माताएं लगाती हैं, तो वो ये केश संस्कार से संबंधित संभार प्रतिपदा यानी पहली तिथि में समर्पित करना चाहिए। पक्व तैलम द्वितीयायाम केश संयम हेतवे। और द्वितीया में सुगंधित तेल आदि, किसी पुष्प से वासित सुगंधित पका करके बनाया गया जो है शुद्ध तेल है, वो भगवती को समर्पित करना चाहिए। दर्पणंच तृतीयायाम सिंदूरालतकम तथा मधुपर। द्वितीया तृतीय तिथि में दर्पण माने शीशा आदर्श, और सिंदूर अलतक माने आलता महावर आदि कहते हैं जिसको, वो भगवती को समर्पित करे। मधुपरकम चतुर्थ्याम तु तिलकम नेत्र मंडनम। चतुर्थी तिथि में विशेष रूप से मधुपर्क बना करके अच्छी मात्रा में, बहु मात्रा में, और भगवती को निवेदन करे। तथा तिलकम नेत्र मंडनम, तिलक यानी बेंदी, विशेष प्रकार के तिलक, कस्तूरी आदि समन्वित गंध, और कज्जल यानी काजल भगवती पर विशेष रूप से समर्पित करना चाहिए। पंचम्या अंगरागंच शक्त्यालंकरणानि च। पंचमी में अंगराग, अंगों से लगाने वाला क्रीम आदि, आजकल के भाषा में कहें तो, ये समर्पित करे, और अपनी शक्ति के अनुसार अलंकार भी समर्पित करना चाहिए, स्वर्ण के चांदी के आभूषण आदि भी समर्पित करे। षष्ठ्याम बिल्व तरउ बोधम सायं संध्या सुकारये। और षष्ठी में भगवती को बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान करके और उनका पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। सप्तम्याम प्रातरानीय गृह मध्य प्रपूजये। और सप्तमी में फिर वहां से ला करके घर में अपने आंगन में चौक में विराजमान करके फिर भगवती का विधिवत पूजन करना चाहिए। उपोषण मथाष्टम्याम आत्मशक्तिया च पूजनम। और अष्टमी में उपवास करे, व्रत करे, ये सब विधान बतलाए गए हैं। खास रूप से इसमें एक बात और सुन ले मैं कि अष्टमी का व्रत करना गृहस्थ के लिए निषेध किया गया है। अष्टमी व्रत गृहस्थ के लिए व्रत करना निषेध किया गया है, इसका विधिवत विवरण हम आगे देंगे। और किसी के और भी कोई नवरात्र से संबंधित प्रश्न हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। निषेध किया गया अष्टमी का व्रत नहीं करे तो इसकी व्यवस्था क्या है, वो आगे के में आप सुनेंगे। यहाँ जो अलग नियम है, यहाँ जो अलग प्रसंग चल रहा है। नवम्या मुग्र चंडाया पूजाम कुर्यात बलिम तथा। और नौमी में भगवती
चंडिका देवी का जो है बलिदान करना चाहिए। तो बलिदान में बता ही दिया गया है कि मुख्य रूप से नारियल का और कूष्मांड का और भी इत्यादि वस्तुओं का जो है विधिवत छेदन पूर्वक बलिदान करें क्षत्रिय वैश्य आदि, और ब्राह्मण लोग उनका छेदन नहीं करें, काटें नहीं। वैसे ही साबुत नींबू, साबुत ही नारियल, साबुत ही जो है कूष्मांड आदि समर्पित करें, ऐसा वचन है। संपूज्य प्रेषणम कुर्यात् दशम्याम शारदोत्सवैहि, और इस तरीके से दशमी में पूजन करके और फिर भोजन करना चाहिए, ये जो व्रत का विधान है। और भी आप देखेंगे तो नवरात्र के व्रत की जो पारणा की विधि है, नवरात्र का व्रत कब समाप्त करें, तो नवरात्र का व्रत जो समाप्त करने की जो विधि आई है उसका मुख्य रूप से विधान है कि दशमी में करें। दशमी में नवरात्र व्रत का जो है पारणा होनी चाहिए। नवरात्र तक तो व्रत ही है, तो नवरात्र तक तो व्रत ही रखना है, और दशमी में हवन और ब्राह्मण भोजन और फिर पारणा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वचन मिलता है। देखिएगा नवरात्रियों का धर्म निर्णय सिंधु में क्या कह रहे हैं। अथ नवरात्र पारणा निर्णय, नवरात्र के पारणा का निर्णय बतलाते हैं। साच दशम्याम कार्या, वह पारणा तो दशमी में करनी चाहिए। कह रहे हैं आश्विने मास शुक्ले तु कर्तव्यम नवरात्र कम, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। प्रतिपदाधिक्रमेण यावच्च नवमी भवेत, प्रतिपदा से लेकर के और जब नवमी आ जाए, चाहे नौवें दिन, आठवें दिन या दसवें दिन, तो अथवा त्रिरात्रम वा भी कर्तव्यम सप्तमी आदि यथाक्रमम, या जो है सप्तमी आदि से लेकर के इस व्रत को करना चाहिए। तो परंतु ये जो है पारणा तो दशमी में ही होनी चाहिए, इस तरीके का ये जो है वचन यहाँ प्राप्त है। अब कह रहे हैं आगे ये भी व्यवस्था दी है कि यदि किसी के यहाँ ऐसा कुल परंपरा से प्राप्त हो कि वे जो है नौमी में ही पारणा कर लेते हैं, तो इसका देखा गया है किसी के यहाँ महापूजा नौमी में होती है तो वो दशमी में पारणा करें, दशमी में प्रातः काल ही भगवती का पूजन करके विसर्जन करके और फिर व्रत का जो है संपूर्णता के लिए पारणा करना चाहिए। और जिनके यहाँ अष्टमी महापूजा होती है और वे नौमी में पारणा कर लेते हैं, तो सामान्य रूप से जिनको कुल परंपरा का ध्यान है और जिनके यहाँ ऐसा होता है और कई जो है वर्षों से या परंपरा से ऐसा करते आए, वे लोग नौमी में भी पारणा कर सकते हैं। सामान्य रूप से भगवती के पारणा का जो विधान है वो दशमी में ही है। ठीक है जी। हर हर महादेव।